La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. अखबार उन्निसा में इब्ने जोजी एक वाक़या नकल करते हैं। हैशम बिन अदी जो है वो कल्बी से इसको नकल करते हैं कि नौमान बिन मंजर की बादशाही का ज़माना था और उसने कई साल हीरा पर हुकूमत की। इस सारे अरसे में उसने एक ऐसा काम किया जो काबिल लग्ज़िश है, जो इखलाक से गिरा हुआ काम है, और ये इस्लाम से बहुत कबल की बात है, बल्कि बैसत नबी से भी आप समझ लें 7 साल पहले जो है ये अपनी बादशाहत भी लूज कर चुका था और मारा भी गया था। तो नौमान इब्ने मंजर जो है उसकी एक दफ़ा कहीं जा रहा था सवार होकर, तो एक औरत पर उसकी नज़र पड़ी और उस औरत के हुस्न जमाल और शक्ल सूरत ने उसे अपना गिरविदा बना लिया और उस पर फरेफ्ता हो गया। फिर इसने बाद में अपने ख़ास आदमी को, जो इसका मुआविन ख़ास भी था, इसको बुलाया और कहा, उसका नाम था आदी बिन जैद, उससे कहा, मैंने एक औरत को देखा है मगर मैं इस पर कामयाब ना हुआ, तो बस क्या करूं, अगर ये ना मिली तो मर जाऊंगा। तो उस आदमी ने पूछा कि भाई आपको पता भी है वो कौन है? उसने कहा, हाँ बस मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और उसके दरमियान कोई रस्म पैदा करने का तरीका बतलाओ। वो मसला ये है कि हकम बिन औफ जो हीरा के बड़े आदमियों में से है वो उसकी बीवी है। आदि ने पूछा कि अच्छा, आपको आपने ये बात किसी को बताई तो नहीं है? उसने कहा, नहीं नहीं मैंने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। उसने कहा, अच्छा फिर आप जो है ना ये मामला मुझ पर छोड़ दें, आप इस बात को अपने तक छुपा के रखें और जब सुबह हो तो अपने पास इस हकम को बुलाएं और उसकी खूब खातिर वदारत करें। तो बादशाह ने यही किया कि सुबह हुई तो हकम को बुलाया और हकम बिन औफ को अपने साथ जो है दरबार में इकराम दिया, एज़ाज़ दिया, अपने साथ बादशाही तख्त पर बिठाया। तो लोगों को हकम बिन औफ पर बड़ा रश्क आया और लोगों ने आपस में चेमकुइयाँ शुरू कर दी। अच्छा फिर जब दोबारा शाम को दरबार लगा तो फिर बादशाह ने यही किया, उसको इकराम और एज़ाज़ दिया और इसको हुक्म दिया कि भाई अपने साथ बिठाया और इनामी जोड़ों से इसको नवाजा। तो चंद दिन तक फिर यही खेल तमाशा होता रहा। तो आदि ने बादशाह को कहा कि ऐ बादशाह सलामत, आपके पास तो 10 औरतें हैं, आप इनमें से अपने नज़दीक जो कम मरतबे वाली औरत है इसको तलाक दे दें और फिर आप हकम से इसकी शादी करा दें। तो बादशाह ने ऐसा ही किया। फिर आदि जो है बड़ी चालाकी से हकम इब्ने औफ के पास आया और कहने लगा कि देखो बादशाह ने तो तुम पर कितने एहसानात किए। वो कहता, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, समझ नहीं आता बादशाह को बदला कैसे दूँ। तो आदि ने कहा, जिस तरह बादशाह ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तुम भी अपनी बीवी को तलाक दे दो और बादशाह उससे शादी कर लें और इस तरह मामला पूरा हो जाएगा। तो हकम ने तलाक दे दी और आदि इस औरत को लेकर बादशाह के पास आया और फिर जो है बादशाह की उससे शादी हो गई। और फिर कई दिनों के बाद हकम पर यह बात खुली कि ये सारा खेल तो इसकी बीवी को हासिल करने के लिए था। इसी के बारे में अहले हीरा के यहाँ एक शेर मशहूर हो गया कि नहीं है मखलूक में कोई औरत जिसकी बराबरी की जाए मगर वो औरत जिसको नौमान ने हकम से लिया है। माफिल बिद्यतु मिन अंशातु आदिलुहा अला अल्लती अखदन नौमान मिन हकमिन। तारीखी वाकया है और इसको कई किताबों में नकल किया गया है। अखबार उन्निसा में इब्ने जोजी लेकर आए हैं, फिर अल हदायक़ुल गिना फी अखबार उन्निसा में भी आता है।